कोरोना का खौफ लगातार भारत में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से पीड़ित रोगियों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। ये कोरोना हिमाचल में अपनी दस्तक न दे पाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। स्कूल, मंदिर और भीड़ वाले क्षेत्र बंद करवा दिए गए हैं और कई तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना का खौफ लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों की संख्या में भी रोज इजाफा हो रहा है। ये कोरोना हिमाचल में अपने दस्तक न दे पाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। स्कूल, मंदिर और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र बंद करवा दिए गए हैं और कई तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सोलन के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में यज्ञ किया गया ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। इस यज्ञ में स्कूल के शिक्षक शामिल हुए और विश्व में कोरोना ज्यादा न फैले, सारा विश्व सुखी रहे और रोग उन्हें छू भी ना पाए, इस यज्ञ करवाने का मुख्य उद्देश्य यही था। हालांकि सभी शिक्षकों के चेहरे पर भी कोरोना का खौफ साफ देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी वे नेक उद्देश्य को लेकर यज्ञ में आहुतियां डालते रहे ताकि विश्व का कल्याण हो और कोई भी व्यक्ति इस रोग की चपेट में ना आए, जिसके चलते स्कूल में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। अधिक जानकारी देते हुए गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य प्रधानाचार्य गुरप्रीत माथुर ने कहा कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का जाप कर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों ने हिस्सा लिया और विश्व रोग मुक्त रहे और कोरोना की चपेट में आकर लोग अपनी जान न गवाए, ये कामना की गई। उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा गया है कि हवन सामग्री की जब आहुति यज्ञ में दी जाती है तो उससे निकलने वाला धुआं इतना पवित्र होता है कि सभी तरह की बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसलिए बड़ी ही श्रद्धा के अनुसार उनके स्कूल में ये आयोजन किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया है कि बच्चे छुट्टियों में बाहर ना खेलें। हमने सर्वे भवन्तु सुखिना को वाले मंत्र को मन में रखते हुए आज स्कूल में हवन भी किया है स्टाफ ने, और क्योंकि सबका ये मानना है कि जो इसका पवित्र धुआं होता है हवन सामग्री का, वो बहुत सारी विषैली जो भी गैसेस हैं उनको काउंटर करता है और निगेट करता है उनको, तो इसलिए हवन भी किया है। उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है दिमाग में, बहुत ही प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ तक बात है कि स्कूल्स के बंद होने के बाद बच्चों की पढ़ाई खराब होगी या कुछ और होगा, तो मैं ये समझती हूँ कि सेफ्टी इज़ प्राइमरी। सबसे पहले अगर इंसान की ज़िंदगी है तभी कोई और काम है। अगर उसकी ज़िंदगी ही बिल्कुल रिस्क पे हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अब जहाँ तक टीचर्स के पढ़ाने की बात है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, अपना लेसन प्लान्स जा रहे हैं, उनको बच्चों को बता रहे हैं, तो वो बात ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि बच्चों को थोड़ा बिजी करके रखें। बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, उनके पास कुछ करने को काम नहीं होता। जब उनके पास कोई टारगेट हो जाएगा दिन का तो वो कुछ काम कर पाएंगे। और ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये किसी तरह से भी क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट तो है नहीं है। वहाँ पे जब तक इंट्रैक्शन नहीं होता तब तक लर्निंग नहीं होती है। पर हमारा पर्पज़ ये था कि हम बच्चों को थोड़ा हुक्ड अप रखें, क्योंकि बच्चे स्वभाव से इतने चंचल हैं, वो बैठेंगे कैसे जब तक उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो टाइम टू टाइम सेफ्टी को लेके भी, पढ़ाई को लेके भी हम लोगों की एडवाइजरी जारी है पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं ये फिर भी सबको बोलना चाहूँगी कि इन छुट्टियों को बहुत लाइटली ना लिया जाए, इस बीमारी को हल्के से ना, इस जो ये पेंडेमिक है इसको बहुत ज़्यादा हल्के से ना लिया जाए, और इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन जो भी हमें बताई गई हैं, हम लोगों को हैंड वॉश करते रहना है, इंडोर्स रहना है, बाहर नहीं जाना है। ये ना हो कि छुट्टियों के चलते बच्चे बाहर जाएँ और बाहर जाके खेलें और किसी भी तरह से कुछ कोई किसी डिजीज़ के उसमें, इन्फेक्शन के उसमें कॉन्टैक्ट में आए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।